नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चेकर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग आज एक एम्पलीफायर देख रहे हो। ये बोट किस कंपनी का है और ये वाला किस कंपनी का है, ट्रांसफार्मर किस कंपनी का है, फिलहाल तो मैं वीडियो में दिखा दूंगा लेकिन नाम ले ही लूँगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना दिक्कत क्या है एम्पलीफायर बनाने में और एम्पलीफायर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई आया हुआ है मेरे पास कल्याणी से, मेरा जो एड्रेस है कैनिंग सोनाखाली, जो बासंती सोनाखाली है वहाँ पर आया हुआ है भाई। तो उनका ही जो एम्पलीफायर है उसको तैयार किया मैंने, पूरा सब असेंबल किया है, वायरिंग सारा कुछ मैंने किया है वायरिंग। और इस बोर्ड के अंदर क्या दिक्कत है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सामने से देख लीजिए एम्पलीफायर का लुक, 501 का कैबिनेट को काट के यहाँ पर यह वाला ब्लूटूथ पैनल को लगाया गया है, सारा कुछ है। इसमें 2.1 है, फिलहाल तो 1.1 के हिसाब से ही बना हुआ है, ठीक है। एक 200 वाट का चैनल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सांप के लिए, और एक 200 वाट का चैनल इस्तेमाल किया जा रहा है हमारा जो टावर चलाने के लिए, या फिर 8 इंच जो भी आपका जो मिड रेंज स्पीकर चलता है उसके लिए। तो ये बोर्ड आप लोग देख रहे हो, ये वाला बोर्ड देख के आप लोग समझ गए हो। इस बोर्ड में पहला दिक्कत है, इसके अंदर आप लोग 30-35 के ट्रांसफार्मर के ज़्यादा आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि लगाने से इसमें दिक्कत क्या आएगा आपका ड्राइवर के अंदर, इसमें जो ट्रांजिस्टराइज जो रेगुलेटेड ड्राइवर में सप्लाई दिया जाता है वो वाला सप्लाई नहीं है, इसी वजह से इसके अंदर जो ड्राइवर में प्रॉब्लम आ जाएगा और आपके एम्पलीफायर के अंदर जो साउंड म्यूट हो जाएगा, आप साउंड नहीं सुन सकते, क्योंकि ड्राइवर ही अगर बंद हो जाएगा तो साउंड कैसे आएगा। तो यही दिक्कत है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस बोर्ड के अंदर जो रेगुलेटेड ड्राइवर सप्लाई बनाया जाता है उसको हमने एक्सटर्नल पर बना के यहाँ पर लगा दिया है। आप लोग देख सकते हो 24 वोल्ट के जेनर के जगह लगा के दिया है, जिससे कि आप ये वाला एम्पलीफायर लगभग 45-45, 50-50 सप्लाई के अंदर ये वाला एम्पलीफायर चल रहा है, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, तो यही बात है। ट्रांसफार्मर तो 45-45 और 50-50 है, ट्रांसफार्मर का कंपनी में दिखा देता हूँ, ठीक है। और दिक्कत इस बोर्ड के अंदर ये वाला दिक्कत है, ठीक है। इनपुट के अंदर ट्रांजिस्टर क्यों हीट कर रहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनपुट के अंदर ट्रांजिस्टर नहीं हीट कर रहा है, करता है लेकिन हीट कर रहा है। किसी के पास अगर ये वाला बोर्ड है आप लोग देखना, मैं कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर नहीं फंसना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी को ख़राब नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग 35-35 ट्रांसफार्मर में चलाते हो तो ठीक है, उसके ऊपर मत जाइए, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। जाओगे तो दिक्कत शुरू हो जाएगा, यही बात है। और ये वाला है हमारा किस कंपनी का है आप लोग देख लीजिए थोड़ा बहुत, मास्टरवेल। इसके अंदर एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा गेन दिया गया है जिसके वजह से आप लोगों को मैं साउंड खोल के दिखाता हूँ। तो गेन आप सुन सकते हो, नॉइस सुनिए, तो तगड़ा वाला नॉइस आप लोग सुन सकते हो, नॉइस कितना आ रहा है आप देखिए। अभी मैं इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देता हूँ तो इसका जो गेन नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ इनपुट शॉर्ट हो चुका है, तो जिस वजह से आप लोग देख सकते हो गेन में आपका जो गेन के अंदर इतना बड़ा डिस्टॉर्शन है। और हमारा जो हो गया चे आ रहा हूँ जाओ, तो अभी इसको साउंड टेस्टिंग करते हैं, तो साउंड टेस्टिंग करके आप लोगों को थोड़ा बहुत साउंड सुना के और छोड़ता हूँ वीडियो, तो सुनिए साउंड। ये वाला है मास्टर है हमारा, तो अभी हम लोग बेस को सुनाते हैं, बेस। अभी साउंड से आप लोगों को बेस का फील नहीं आएगा, क्योंकि बेस तो सुनाई नहीं देता है, जो सामने आने से ही फील होता है, तो बेस तगड़ा है
कोई दिक्कत नहीं है। नॉइज़ ही इस बारे बेस्ट ट्रेवल के अंदर ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसको जो वायरिंग है आप लोग सील्ड करोगे तो शायद से थोड़ा बहुत नॉइज़ कम हो जाए, लेकिन फिर भी नॉइज़ रहेगा क्योंकि गेन इतना ज़्यादा दिया गया है जिसके वजह से इसमें नॉइज़ आ रहा है। तो जितना हो सके इसके अंदर वॉल्यूम लगाने से कैबिनेट के अंदर नहीं आएगा, ये भी दिक्कत है। आपको वायर से लिफ्ट करना होगा, लिफ्ट करोगे तो ही आप लोग समझ पाओगे इसका जो नॉइज़ है कितना है। तो जो कुछ भी है, लेकिन मेरा जो बोर्ड होता है बास ट्रेवल उसके बारे में तो फिलहाल एक एम्पलीफायर आएगा, फिर देखना उसमें नॉइज़ है कि नहीं। तो यही चीज़ है। और मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग अगर मेरे पास आना चाहते हो आइए सुनिए, फिर आप लोग मुझसे जो एम्पलीफायर बनवाना चाहते हो तो बनाइए। और दूसरी बात, ऐसे काम तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन भाई मेरे से छोटे हैं तो उनका एक ही बात था, मैं सब कुछ खरीद चुका हूँ तो मुझे एम्पलीफायर को असेंबल करके देना, बहुत दिनों से बोल रहा था। तो मैंने बोला था आप आ जाइए मैं आपका कर दूंगा, तो मैंने कर दिया। बस आज के लिए बस इतना ही। आखिर में जय हिंद वंदे मातरम, फिर से मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेकर। और कुछ खरीदते हो तो देख के खरीदिए, कौन क्या बोल रहा है वो मत देख के खरीदिए, प्रॉपर उसके पास अगर वो वाला बोर्ड होता है तो उसके पास जाके सुन के उसका प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके फिर उसको बोर्ड का खरीदे, यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। और जितना हो सके मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा जो बोर्ड है वो अच्छा है कि नहीं, और यही बात है। और अगर आप आ सकते हो तो आके लीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। तो बस इतना ही।